आज हम इस वीडियो में सीखेंगे नए तरीके से मिर्ची का अचार बनाना। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से बने रहिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मिर्ची का अचार बनाने के लिए हम ले लेंगे मिर्ची, फ्रेश ताजी हरी मिर्ची ले लेने हैं आपको। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश करके ऊपर के पार्ट को हटा लेना है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, चाकू लेना है। चाकू की सहायता से इसको दो पार्ट में कर लेना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। सारे को ऐसे कर लेंगे। तो बस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम इसमें 4 से 5 चम्मच डाल देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना नमक डालेंगे तो मतलब नमक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्ची का अचार में लगता ही है नमक, ताकि जल्दी से गल जाए। थोड़ा सा हमने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया। साथ ही साथ क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिलाकर हम इसको 8 से 10 घंटे तक छोड़ देंगे, या आप लोग चाहे तो 24 घंटे भी छोड़ सकते हैं, पूरा एक दिन। अब हम ले लेंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो 1 चम्मच साबुत जीरा ले लेंगे, 1 चम्मच धनिया ले लेंगे, 1 चम्मच हम सौंफ ले लेंगे और 1/2 चम्मच हम ले लेंगे मेथी। इसको क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। साथ ही साथ हमने थोड़ा सा तोरी भी यूज़ किया है, यानी कि सरसों यूज़ किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। बिना पानी डाले आप लोग को महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है, बट पाउडर ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको 24 घंटे तक पूरा छोड़ दिया था। 24 घंटे के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेश लहसुन। लहसुन को छील कर डाल दीजिएगा, आप लोग चाहे तो डालें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर को डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, छोटे वाले चम्मच से यूज़ करिएगा। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर, डालने से अच्छा फ्लेवर आता है और अचार में डालते भी हैं। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे काला नमक। 1/2 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिलाकर अच्छे तरीके से डालकर मिला लेंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बनने वाला है, बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है आप लोग को। सो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। आई होप कि आप लोग को 100% पसंद आने वाला है। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, बस आप लोग को यही स्टेप फॉलो करना है और इसको बनाकर तैयार करना है। तो अब हम ले लेंगे कांच का जार। उसमें क्या करेंगे, ऑयल को डालकर अच्छे तरीके से मिला लेंगे, चारों साइड से कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सारे अचार को इसमें ट्रांसफ़र कर हम 4 से 5, 6, 10 मतलब जितने दिन भी रखना चाहे उतने दिन आप लोग रख सकते हैं, ताकि अच्छे तरीके से अचार बनकर तैयार हो जाए। ऊपर से थोड़ा सा और तेल को डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। रेसिपी को जरूर ट्राई करें।